अब जैसे मैंने पहले बताया था कि दे आर टेन स्ट्रेटेजिक डिसीजनस जो के एक ऑपरेशन मैनेजर जो है उसकी उसमें इन्वॉलमेंट होती है सो so ये पार्ट्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट है ये दस जो स्ट्रेटेजिक डिसीजनस हैं इसमें से मेजॉरिटी हम इस कोर्स में कवर करेंगे फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन के अंदर आता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमने डिवेलप करना है ठीक है तो प्रोडक्ट सिलेक्शन है और फिर उसका डिज़ाइन दैट इज द फर्स्ट डिसीजन जो के uh, किया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट है और उसका uh, क्या डिज़ाइन है वो डिज़ाइन डेवलप करना और वो सारा कुछ उसके अंदर कवर होता है देन वी हैव क्वालिटी मैनेजमेंट जो भी हमने uh, कर रहे हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं चाहे वो सर्विस के अंदर है चाहे वो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है तो उसकी क्वालिटी हमने कैसे अवेलुएट करनी है किस तरह क्वालिटी प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस करना है सो इट इज़ ऑल्सो मोर और लेस नोन एज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ऑल दैट द थर्ड वन इज़ प्रोसेस एंड कैपेसिटी डिज़ाइन कौन सा प्रोसेस हमने यूज़ करना है देर आर फोर डिफरेंट प्रोसेस जो हम देखेंगे आगे चल कर जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बट इट डिपेंड्स के डिमांड क्या है प्रोडक्ट कौन सा है और उसके हिसाब से फिर वो प्रोसेस बनाए जाएंगे और फिर उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए कैपेसिटी अगर आपने ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर ली है डिमांड के मुकाबले में तो इसका मतलब है कि यूटिलाइजेशन बहुत कम होगी और आपने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कैपिटल आपका वेस्ट जा रहा है और अगर कैपेसिटी लो है डिमांड से तो उससे क्या होगा दो नुकसान होंगे एक तो आप सेल लूज़ कर रहे हैं दूसरा ये है कि जब बाकी कम्पैटिटव को नजर आएगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर मीट नहीं कर सक रही ये कंपनी इसका डिमांड तो वो एंटर कर जाएंगे और आपको कंपटीशन देंगे तो दैट इज़ बेसिकली दो आपके लिए इश्यूज़ खड़े हो जाएंगे तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कैपेसिटी जो है वो आपने क्या डिज़ाइन की हुई है फिर लोकेशन सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट आपने लोकेट मार्केट के पास करना है मटेरियल सोर्स के पास करना है या जहाँ स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल हैं ज़्यादा उधर आपने इसको लोकेट करने हैं तो दैट डिसीजन इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ स्ट्रेटजिक डिसीजन बिकॉज ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है और लोकेशन फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं की जा सकती स्पेशली मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर फिर ले आउट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसका ले आउट क्या होगा uh, क्योंकि आपने ले आउट ऐसा बनाना है कि जिसमें आपके मटेरियल फ़्लो बड़ा आसानी के साथ हो इंफॉर्मेशन फ़्लो ह्यूमन रिसोर्स का मूवमेंट उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो ह्यूमन रिसोर्स उसके स्टैंडर्ड्स आपने कैसे डेवलप करने हैं कि एक घंटे में कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं आपने अगर उनको बोनस वगैरह देना है तो उन्हें स्टैंडर्ड्स के बेस पर दे रहे होंगे तो वो सारी चीज़ें कवर करनी होगी सप्लाई चेन मैनेजमेंट दैट इज़ इम्पोर्टेंट सप्लायर रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो आपने कैसे बिल्ड करना है कैसे डेवलप करना है इन्वेंट्री uh, किस तरह मैनेज करनी है उसका कौन से आपने यूज़ uh, करने हैं क्राइटेरिया वगैरह जिसके बेस पर ये इन्वेंट्री को मैनेज किया जाएगा विल इट बी जस्ट इन टाइम बेस्ड और मैन्युफैक्चरिंग फॉर टू स्टोर फॉर कस्टमर्स की फ्यूचर डिमांड मीट करने के लिए शेड्यूलिंग डैट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंगिंग वो आपने कैसे करनी है क्योंकि स्पेशली प्रोसेस लेआउट के अंदर शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंगिंग इज वेरी चैलेंजिंग तो वो आपने कैसे उसको डिवेलप करना है मेंटेनेंस आपने क्रेक्टिव मैंटेनेंस यूज करनी है कि प्रीवेंटिव मेंटेनेंस यूज करनी है सो दैट इज क्योंकि प्रिवेंटिव मैंटेनेंस इज समथिंग जो कि आप पहले से ही शेड्यूल उसका डिवेलप कर लेते हैं और टाइम uh, पर उसको मेंटेन कर लेते हैं करेक्टिव वेज कि जब ब्रेक डाउन होगा तो तब आप उसको मेंटेन करेंगे रिपेयर करेंगे अच्छा इसके अंदर जो ये डिसीजन हैं इनको अगर हम देखें गुड्स और सर्विस के साथ इसको लिंक करें क्योंकि ये डिसीजन जो हैं आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट के ये गुड्स के लिए भी हैं सर्विसेज के लिए भी हैं लेकिन ये डिफरेंट इनका यूज़ होगा गुड्स में और सर्विसेज़ में फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड डिज़ाइन जो है प्रोडक्ट जो है वो टेंजिबल होता है तो वो उसका डिज़ाइन आप कर सकते हैं एज अ टेंजिबल प्रोडक्ट सर्विस जबकि इनटेंजिबल है उसके को, कोई वो आपको एज सच नज़र नहीं आती तो उसके डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होगी क्वालिटी अगर आप देखें तो इसके जो है गुड्स का ये ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स आपने डेवलप किए होते हैं ठीक है क्योंकि इट इज़ टेंजिबल तो उसको आप देख सकते हो कि ये साइज होगा ये थिकनेस होगी ये इसका आ, क्या कहते हैं मटेरियल कितना हार्ड होना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट वो सारी चीज़ें आप उसका डिटरमिन कर सकते हैं बट सर्विस इंडस्ट्री के अंदर सर्विस का जो वो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं तो इट बिकम्स अगेन सर्विस में क्वालिटी असेस करना वैल्यूट करना इज डिफिकल्ट डिफ़िकल्टैन दैट इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ गुड प्रोसेस एंड कैपेसिटी डिजाइन कस्टमर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस यूजली मैनुफैक्चरिंग गुड्स के अंदर बहुत ही कम उनके इन्वॉलमेंट होगी अगर होगी जबकि सर्विस में बहुत ज़्यादा इन्वॉलमेंट होती है और उसके अंदर वो जो डायरेक्टली इन्वाल्व आमतौर पर होता है फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में जा रहा है तो कस्टमर इज़ इन्वॉल्व ठीक है उसको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उधर ही प्रोवाइड हो रहा है uh, इसी तरह वो क्या कहते हैं जो डॉक्टर के पास जा रहा है तो पेशेंट जा रहा है अगेन कस्टमर इज़ इन्वॉल्व और जो कैपेसिटी है जबकि मैनुफेक्चरिंग ऑफ गुड्स के अंदर कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है डिमांड के मुकाबले में तो वो जब ये है कि जब लो डिमांड पीरियड होगा तो उस वक्त इन्वेंट्री बिल्डअप हो जाएगी और हाई डिमांड पीरियड में इन्वेंट्री से फिर आप डिमांड मीट कर रहे हैं तो कैपेसिटी मैच ना भी करे तो फिर भी हैंडल हो जाता है लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में कैपेसिटी शुड मैच ऑलमोस्ट एग्जैक्टली जो कि डिमांड है उसके मुताबिक लोकेशन सिलेक्शन अगर आप देखें तो इसके अंदर गुड्स के मुताबिक मे बी नीयर द रिसोर्स मटीरियल के रिसोर्स के करीब हो लेबर और मार्केट वेर ए सर्विस के अंदर इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज के जी ये मार्केट के करीब लोकेट होनी चाहिए ले आउट डिज़ाइन के अंदर अगर हम देखें तो प्रोडक्शन एफिशेंसी को सामने रखते हैं कि जी ये डिज़ाइन गुड्स के मैनुफैक्चरिंग के अंदर ऐसा होना चाहिए जबकि सर्विस के अंदर इट इज़ डिज़ाइन इन सच अ वे कि आपकी जो लेबर वर्कर्स की मूवमेंट है उसकी वजह से कैपेसिटी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े आपकी कैपेसिटी इन्हांस हो कि आप ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप डिमांड के मुताबिक कर सकें ह्यूमन रिसोर्स एंड जॉब डिज़ाइन के अगर हम देखें तो टेक्निकल स्किल लेबर स्टैंडर्ड कांस्टेंट होती है यूजली बहुत कम चेंज नज़र आता है आउटपुट बेस्ड वेजेस डिटरमिन की जाती हैं क्योंकि स्टैंडर्ड्स आप बना सकते हैं सर्विस के अंदर क्योंकि इंटरेक्शन विद कस्टमर्स होती है तो उसमें लेबर स्टैंडर्ड वेरी करेगा लेट से डॉक्टर के पास अगर कोई जाता है मरीज तो कुछ हो सकता है कि मरीज़ पाँच मिनट के अंदर उसको डायग्नोसिस कर, कर उसको फारिग कर दें ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि डॉक्टर टेक्स हाफ एन आवर टू सी पेशेंट और उसको और वो बेसिकली उसके डायग्नोसिस करे और उसकी प्रेस्क्रिप्शन वगैरह उसको दे तो इसके अंदर डिफरेंट वेरी करेगा बहुत ज़्यादा सर्विस इंडस्ट्री में बट नॉट इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ गुड्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देखें तो जो वेंडर के साथ रिलेशनशिप है वो फाइनल प्रोडक्ट के लिए इट बिकम्स क्रिटिकल ठीक है बट नॉट नेसेसरीली इन सर्विस इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड हो सकती है क्योंकि उधर आपको मटेरियल तो चाहिए होता है लेकिन क्रिटिकल नहीं होती जैसे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होती है इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री फिनिश गुड की इन्वेंट्री ये हमें रखनी पड़ती है और उसके कई केसेस के अंदर ये कम होगी कईयों में ज़्यादा होगी बट सर्विस इंडस्ट्री में वी कैन नॉट सर्विस को हम स्टोर नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल होटल है वो कमरा प्रोवाइड करते हैं एक लट uh, से uh, एक दिन के लिए तो वो कमरा अगर खाली जाता है उधर कस्टमर नहीं आता तो वो मतलब है कि वेस्ट हो गया वो सेल हमारी ज़ाया चली गई उसको हम स्टोर नहीं कर सकते हाँ आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स में आपको बर्तनों की ज़रूरत है आपको सब्ज़ी गोश्त इसकी ज़रूरत है कुकिंग के लिए बट वो जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रही है वो स्टोर नहीं हो सकती आज शेड्यूलिंग जो है आप इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेवल शेड्यूलिंग कर सकते हैं ठीक है लेवल शेड्यूलिंग की और लो डिमांड पीरियड में इन्वेंट्री बिल्डअप की और हाई डिमांड पीरियड में उसको इन्वेंट्री के ज़रिए डिमांड मीट की बट सर्विस के अंदर ये नहीं हो सकता आप लेवल शेड्यूल नहीं कर सकते अगेन क्योंकि इन्वेंट्री आप नहीं बिल्ड कर सकते तो उसी वक्त आपने कस्टमर की डिमांड को मीट करना होता है लास्टली मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम यूज़ कर सकते हैं एंड वो जो है मेंटेनेंस वो प्रोडक्शन साइट के ऊपर हो रही होती है मशीन की मेंटेनेंस जबकि सर्विस में यूजली हम कस्टमर के जगह जाकर उधर मेंटेनेंस करते हैं और इसके अंदर रिपेयर मेंटेनेंस होती है प्रीवेंटिव मेंटेनेंस कम होती है फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन को करना है घर पे जाकर तो वो घर पे जाकर वो करेगा या वो घर से वो कहेगा कि जी मेरी जगह पर मशीन को शिफ्ट कर दें लेकिन घर पे जाएगा और उधर जाकर उसकी रिपेयर वगैरह करेगा लेकिन वो किस वक्त करेगा जब उसका वो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इस बेसिस के ऊपर ये डिफरेंट है बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज और ये ऑपरेशन डिसीजन उसमें कैसे परफॉर्म करते हैं